नमस्कार, स्वागत है आपको ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 8 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। किसी की भी मृत्यु पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 304,299 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,111 पे पहुंच गया है। देखिए, रिकवरी रेट 98.5% पे बनी हुई है, यानी कि 2,99,654 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए। इस समय ओमान में जो एक्टिव केस केवल 534 ही बचे हैं और हॉस्पिटल में किसी को भी एडमिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है पिछले 24 घंटे के दौरान। और हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनकी संख्या केवल 7 है, जिसमें से 3 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। शाहीन चक्रवाती तूफान से जुड़े नुकसान के बारे में एक अपडेट आ रही है कि सामाजिक विकास मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन बयान जारी करते हुए बताया गया है कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जो भी उत्तरी अलबतीना और दक्षिणी अलबतीना में जो भी लोग हैं जिनको तूफान की वजह से क्षति का नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके घर डैमेज हो गए हैं या फिर किसी प्रकार का और नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के यहाँ यदि जो फील्ड टीम है नहीं पहुंच पाई है कि आपके नुकसान का आकलन करने वाली जो समिति के लोग हैं नहीं पहुंचे हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से शाहीन ऐप डाउनलोड करके अपने सभी नुकसानों के बारे में इसमें जानकारी दे सकते हैं। अपने बैंक डिटेल से लेकर हर प्रकार की जो जानकारी है, जो डेटा चाहिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो सब आप इसमें फीड कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी जो लाभार्थी हैं उनको फंड वितरित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देते हुए बताया है कि 1 नवंबर से, यानी आज से, भारत की कोवैक्सीन, जिसको केवल ओमान ने मान्यता दी थी, इसको अब ऑस्ट्रेलिया ने भी मान्यता की सूची में रख लिया है। यानी कि जो भी व्यक्ति अब कोवैक्सीन लगाए हुए होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में 1 नवंबर से बिना किसी संरोध के, बिना किसी क्वारंटीन के यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपको 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके जाना होगा। देखिए, इससे पहले जो सभी देश हैं केवल कोविड शील्ड को मान्यता दिए थे और बहुत सारे ऐसे प्रवासी थे जो लोग कोवैक्सीन लगवा लिए थे और उनके मन में एक तरह से निराशा आ गई थी कि हम कब विदेश जा पाएंगे। धीरे धीरे सभी जो देश हैं कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी तक केवल 2 देशों ने ही मान्यता दी है। जल्द उम्मीद करते हैं कि और भी जो गल्फ कंट्री के देश हैं मान्यता दे देंगे इस वैक्सीन को। ओमान में पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। अक्टूबर के महीने से ओमान में जो सर्दी के मौसम में आने वाले पर्यटक हैं वो आकर्षित होते हैं। देखिए, ओमान टूरिस्टों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, वो चाहे गर्मी का महीना हो या फिर खरीफ सीजन हो या फिर सर्दियों में। सर्दियों में यहाँ पर हल्की सर्दी रहती है और पूरी धूप खिली रहती है, और ये अक्टूबर से यूरोप कंट्री या फिर गल्फ कंट्री के जो लोग हैं यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। और पिछले 2 वर्षों से ओमान का टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जहां पे लॉकडाउन से लेकर एक से एक जो गतिविधियों को बंद किया गया था उसको देखते हुए जो विदेशों से जो पर्यटक हैं वो नहीं आ पा रहे थे, और उसका फायदा अब ओमान को मिलना स्टार्ट हो गया है। वो चार्टर्ड फ्लाइटें हों या फिर डायरेक्ट फ्लाइटें, यहां पे विदेशों से जो पर्यटक हैं बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं और इस समय ओमान एक सेफेस्ट कंट्री के रूप में जाना जा रहा है। पिछले 3 दिनों में ओमान में केवल 50 नए केस आए थे। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि बाउसर के विलायत में जो अल खुवैर जिले में एक आवासीय फ्लैट में बहुत भयानक आग लग गई, और आग का जैसे ही सूचना मिला फायर फाइटर्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं मौके पर पहुंच गई और 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये जो पूरा इलाका है रिहायशी इलाका है, इसमें ओमानी से लेकर प्रवासी वर्कर रहते हैं, पूरा आवासीय फ्लैट बने हुए हैं। आग के लगने का कोई वजह अभी सामने नहीं आया है और जो भी लोग इसमें घायल हैं उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 7 नवंबर से, जी हां, इसी 7 नवंबर से क्लास 5 से 11 तक के जो बच्चे हैं स्कूलों में 100% क्षमता के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को इसके मद्देनजर तैयारी कंप्लीट करने के लिए जो निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, इससे पहले 10th और 12th के बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा था और उनके जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसको ही ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा था, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 का जो संक्रमण कम हुआ है, लोगों में वैक्सीनेशन की दर बढ़ी है, उसके बाद से सुप्रीम कमेटी ने
फाइव से ऊपर के क्लास के बच्चों को स्कूलों में उपस्थिति हो। रॉयल ओमान पुलिस ने अवैध रूप से ओमान में घुसने वाले 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी बड़ी मात्रा में जो विदेशी घुसपैठिए थे वो ओमान में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉयल ओमान पुलिस दक्षिणी अल्बर्टिना प्रांत पुलिस कमान के सहयोग से 31 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दो नावों पर सवार होकर ये सभी घुसपैठिए ओमान के तटों पर पहुंचे थे, लेकिन तटरक्षक पुलिस बल के सहयोग से रॉयल ओमान पुलिस ने दोनों नौकाओं को जब्त कर लिया है और सभी 31 विदेशियों को गिरफ्तार करके निवास कानून के तहत इन पे कार्रवाई की जा रही है। दोफार गवर्नमेंट में रॉयल ओमान पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों प्रवासी महिलाएं हैं और ओमान में कैब ड्राइविंग का काम करने वाले एक प्रवासी के कार को इन्होंने अपने घर पे बुलाया बुकिंग के बहाने से, और जैसे ही ये व्यक्ति अपनी कार लेकर सेवाएं देने पहुंचा वहां पे इन्होंने उससे मारपीट की, उसके साथ फोटो खींची, गाली गलौज किया और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सभी छीन लिए, और इन्होंने पुलिस के पास जाने से धमकी भी दी थी कि हम तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। लेकिन इस ड्राइवर ने जैसे ही रॉयल ओमान पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों प्रवासी महिलाओं को गिरफ्तार कर दिया गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने बताया कि हमारी नारकोटिक्स टीम ने भी बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रवासी के पास से 46 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स है वो बरामद किया है। जी हाँ, देखिए पता नहीं कैसे ये समुद्र के रास्ते तस्करी करने के बाद अपने गाड़ी में ड्रग्स लेकर ये प्रवासी उसको डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में जो पुलिस चौकियां हैं वहां पे चेकिंग के दौरान इसका पता चला और इसको गिरफ्तार करके इसके पास से 46 किलोग्राम से अधिक जो क्रिस्टल ड्रग है वो बरामद किए हैं, साथ में बहुत बड़ी मात्रा में हशीश भी बरामद हुआ है, और इन सभी चीजों को जब्त करके इस प्रवासी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जा